मॉर्निंग बेटा। बेटा जैसे कांगी रीड, कांगी रीड करांगे सृजना, ठीक है? किदी लिखी हुई है कांगी? पाली भुपिंदर सिंह जी। स्टोरी समझाओ तो सारी कांगी समझाते सी ना भी केड़े केड़े पात्र है इस कांगी दे विच ते उन्हां दा की रोल है ते कांगी दा मीनिंग की है, ठीक है? कांगी दा की मीनिंग हुंदा है वन एक्ट प्ले, यानी कि थोड़े जे पात्रा दे राही स्टेज ते खेडिया जाण वाला एक नाटक जिदे भी थोड़े जे पात्र हुंदे है ते बिना समान दे बदले, ठीक है? एक स्टेज ते आपां खेडदे आ इको समय ते एदे भी जिहड़े कि पात्र जिहड़े कि ज्यादा नहीं हुंदे। इस एकांगी च केड़े केड़े पात्र है? एकांगी च पहला पात्र केड़े केड़े सारे पता होना चाहिए। एक सिरजना, वैसे तो इस एकांगी का जिहड़ा नाम है एक सिरजना का मीनिंग हुंदा है कि किसे दी सिरजना करनी, किसे चीज नूं बनाना, कि परमात्मा ने जिस तरह सृष्टि बनाई है सारी दुनिया सिरजी है, ठीक है? एक तो उहदा नाम सिरजना, दूसरा इस एकांगी दे विच सिरजना की है जिहड़ा कि एक नौ है, ठीक है? बीजी दी नौ है ते जिस जिहदे नाल जिहड़ी की है जिस दुआले सारी एकांगी घूम रही है, सिरजना दे दुआले की है पूरी एकांगी की है घूम रही है ते उहदी एक पहला धी है ते दूसरा बच्चा होने वाला है। पहले एक लड़की है ते दूसरा उहदा बच्चा होने वाला है। नेक्स्ट है कुलदीप। हरेक पात्र वाले लिखी जाओ बेटा। कुलदीप की है वन मार्क्स क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। हले सेकंड क्वेश्चन है कुलदीप कौन है? कुलदीप सिरजना का पति है। हाँ फर्स्ट है सिरजना कौन है? इस एकांगी की जिहड़ी मुख पात्र है ते एक नौ का रोल निभा रही है नौ। हाँ नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है थर्ड पात्र बीजी। ओ की है? सिरजना की सस है, सिरजना की सस ते कुलदीप की मां है ते पुराने विचार वाली औरत है। दो तीन क्वेश्चन ते बन गए। कुलदीप को बीजी की है पुराने विचार वाली औरत है, पुराने विचार वाली औरत है। कुलदीप सिरजना का पति है ते बीजी का पुत्र है। बीजी कौन है? पुराने विचार वाली ते ओ नहीं चाहती कि उहदे घर दे विच दूसरी। बेटा कुलदीप कौन है? कुलदीप की है बीजी का जिहड़ा की है पुत्र है, ठीक है? ते बीजी कौन है? पुराने विचार वाली औरत है ते ओ नहीं चाहती कि उहदे घर एक होर कुड़ी का जन्म होवे, भाव कि उहदे घर एक होर कुड़ी आवे। हाँ बीजी फोर फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है? बीजी नहीं चाहती कि उहदे घर एक जिहड़ी कि कुड़ी होर जन्म लवे, क्लियर है? नेक्स्ट है मासी, ठीक है? मासी असल दे विच कौन है? इस एकांगी दे विच जिहड़ी हस्पताल दी सफाई हस्पताल दे विच जिहड़ी की है सफाई कर्मचारी है। हस्पताल दे विच की है सफाई कर्मचारी है ते सारे उसनूं की कह के बुलाते हैं? मासी कह के बुलाते हैं, ठीक है? ज्यादा भी आ सकता है क्वेश्चन सफाई कर्मचारी नूं सारे की कह के बुलाते हैं? मासी कह के बुलाते हैं, या मासी कौन है? ठीक है अस्पताल भी सफाई कर्मचारी है, ठीक है? फाइव फिफ सिक्स क्वेश्चन हो गए, क्लियर है वाला, ठीक है? उस तो बाद होर कि पात्र है डॉक्टर ते नर्सा, दो नर्स है, ठीक है? ये भी लिखो क्वेश्चन किनिया नर्सा ने इस कांगी दे विच? दो नर्सा। क्वेश्चन लिख ले वन मार्क्स क्वेश्चन। ऐसा क्लियर है बेटा सारे नू, ठीक है? तो ये जिहड़ी कांगी है किहड़ी समस्या नू पेश किया गया, किस समस्या नू पेश किया गया? भ्रूण हत्या। किस समस्या नू पेश किया गया? भ्रूण हत्या नू पेश किया, भ्रूण हत्या फीमेल फर्टिसाइड। नेक्स्ट है स्टार्टिंग एकांगी दी बेटा, स्टार्टिंग जी हम स्टेज है सपोज करो आप नाटक जिहड़ी एकांगी स्टेज ते खेड रहे हां। बेटा कुलदीप सिरजना पति है, हाँ एकांगी दे स्टार भी हम सोचो एक स्टेज सपोज करो ये स्टेज है, ठीक है? स्टेज ते स्टार्टिंग दे विच ही, ठीक है? क्लीनिक है हस्पताल दा क्लीनिक है, ठीक है?
एक है सपोज करो स्टेज है, ठीक है, स्टेज सब तो पहला क्या आता है अस्पताल का क्लीनिंग, पूरा क्लीनिंग वाला उन्होंने स्टेज बनाई हुई है, स्टेज की बनी हुई है क्लीनिंग दी। गुरपाल समस्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या फीमेल पोटोसाइट, क्लीनिंग का अंदरला दृश्य केड़ी समस्या नु पेश किया गया है, सीजना एकांगी दे विच केड़ी समस्या नु पेश किया गया है, क्लीनिक दा अंदरला दृश्य। मासी तेज तेज हाथ चलांदी ने कि स्टार्टिंग दे विच सब तो पहला करैक्टर कौन आंदा है, पहला पात्र केड़ा है मासी, ए भी लिख लो, सब तो पहला एकांगी दे विच केड़ा पात्र आंदा है, मासी या सफाई कर्मचारी, मासी तेज तेज हाथ चलांदी सफाई कर रही है, दरवाजा खुलता है ते कौन आंदा है, बीजी अते सीजना जिहड़ी कि क्लीनिंग विच एंट्री करदियां, ठीक है, सब तो पहला पात्र लिख लिया कौन आंदा है मासी, बीजी मासी नू डॉक्टर साहब नहीं आए, ठीक है, सफाई कर्मचारी नू पुछदी है क्योंकि वही हुंदी है कल्ली, मासी थोड़ा तलखी नाल सफाई, तलखी नाल मतलब थोड़ा गुस्से नाल, ठीक है, सफाई चलती पई है, दिखता नहीं तुहानू, तुसी जुतियां लेके अंदर आ गए, सारे पैरां दे छापे लग गए हन, फिर डॉक्टर साहब आणगे तुहानू जिहड़ा कि गुस्सा करनगे, ठीक है, कि सफाई तुसी अच्छी तरीके नाल क्यों नहीं कीती। नेक्स्ट है बीजी, बड़ी बदतमीज है, बोलती किदा है, ठीक है, उन्हें कहती क्योंकि उन्हें गलत ढंग ना बोलिया ना, पर वो अपनी जगह ठीक सी। नर्स आंदी है, फिर नर्स ही एंट्री होंदी है, नर्स बोलन भी सी एदा दी है, नर्स उन्हें की कहती है, ठीक है, बीजी नु की कहती है कि मासी है बोलन भी एदा दी पर असल दे विच चंगी है, ठीक है, बोलती एदा ही है, फीमेल फुट साइड बोलिया सी बेटा। नेक्स्ट है बीजी, नर्स बोलन विच ही एदा दी है, उंज दा कहंदे दिल दी चंगी है, बैठो तुसी डॉक्टर साहब आने ही वाले हन, अल्ट्रासाउंड ली गए, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, ठीक है, और ली किथे गए हन, अल्ट्रासाउंड ली गए हन, बीजी हां पर जे लोड होई ता गा भी कुछ करांगे, मतलब ओदे ये कहन दा मतलब सी कि जे ओदे पेट दे विच लड़की होई ता मैं को कुछ करांगे, भाव की कुड़ी नू जन्म लैन तो पहला ही मार देवांगे, मतलब ओदे कहन दा ही मीनिंग सी, ठीक है, हाँ बीजी, हाँ नर्स मुस्कुरा के लोड पई ता एदा की मतलब, लोड पई ता एदा की मतलब, बीजी लापरवाही नाल, मतलब जे कुड़ी होई ता आगा भी कुछ करना ही पऊ, मतलब कुड़ी दे हक विच नहीं हुंदी कि ओदे घर दे विच कुड़ी दा जन्म होवे क्योंकि पुराने विचारा वाली है, जे दूजी भी कुड़ी होई ता रखनी असी, भाव की हुण एदे सीजना दी पहला ही कुड़ी है, ठीक है, फिर क्वेश्चन लिख लो, सीजना दे किन्ने बच्चे हुंदे हन, एक ते कुड़ी, लिख लो सीजना दे वन मार्क्स क्वेश्चन, सीजना दे किन्ने बच्चे हुंदे हन, एक ते कौन है कुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजना डर के, सीजना डर के बीजी ए तुसी की कह रहे हो, ये पाप है क्योंकि उन्हें उदो पता चलता है कि जो हॉस्पिटल से गल कर दी नर्स के सामने कि जे कुड़ी हुई तो अगो भी असं कुछ करांगे, फिर वो बड़ी शोक कहती है कि ये पाप है जो तुसी करन जा रहे हो, ये ठीक नहीं, बीजी की ठीक है ते की नहीं तेरे नालो ज्यादा मेनू पता है, सीजना पर की फर्क पै जाएगा जे लड़की होएगी, क्योंकि ओदे विचार दे अनुसार जिहड़ी की है क्योंकि पढ़ी लिखी औरत है, सीजना की सी कांगी दे पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, ओदे जिहड़े की है समय दे अनुसार मुंडे दे कुड़ी दे कोई फर्क नहीं, सीजना सॉरी बीजी चाली पूरे 40 किले है शैलर, ठीक है, जान मार के बचाए है मैं शरीका तो, 40 किले मतलब 40 किले जमीन है ओरी, अंडरलाइन करो बेटा, अभी अंडरलाइन करो, क्वेश्चन लिखो किन्ने किले जमीन है, किन्ने शैलर है, या किन्ने शैलर है 40 शैलर, किन्ने शैलर होंगे 40, जान बचा जान मार के जेडे की बचाए शरीका तो, शरीका मतलब रिश्तेदारा तो, इन्हों संभालन वाला भी चाहिए, नाले अगे बैठे नहीं
छाती ते एक दाल भी नहीं देने तेरिया धिया दे मैं समझी ना। कहंदी बीजी की कह रही है कि मैं तेरी धिया दे विआह दे दाज दूज नहीं देना, मैं पैसा अली इकट्ठा नहीं किया, अली नहीं बचाए 40 किले जमीन ता जो तेरिया की धिया जी दाज के रूप ही लै जा। मतलब सोच ऐसा दी भी धिया जन्म लैन गियां ते उन्हां दे विआह ते जिहड़ा कि बहुत ज्यादा दाज देना पेगा। बीजी मैं पता करती हाँ जे लैब वाला आ गया, जे डॉक्टर साहब पहला आ जान तू चली जाई स्कैनिंग नू दरवाजे भी पहुंच के ना। ये रोन वर्गा मुंह बना के बैठी है, उन्होंने कह रही है अपनी नोन गुस्से ना, ठीक है तू रोन वर्गा क्यों मुंह बनाई बैठी, क्योंकि उदे भी क्योंकि उदे नाल तो उदे होना ना गलत जो होएगा गलत किन्ना होना सृजना ना, क्योंकि उदे अंदर जिहड़ी की एक जिहड़ा की है जिहड़ी एक एक कोई जीव जन्म लै रहा गलत तौर ना होना, बीजी नूं तो कोई फर्क नहीं पैना। दोवें अनमन्ने मन नाल पानी पींदियां हन, दोवें चुप करके जांदियां पर मासी सब समझदी है, दोवें अनमन्ने मन नाल पानी पींदियां भाव कि दिल नहीं करदा तां वी पानी पी लैंदियां हन। बीजी मैं पता करदी हां जे लैवल आ गया, जे डॉक्टर साहब भी पहला आ जान तां चली जाई स्कैनिंग नूं दरवाजे विच पहुंच के, ना इह रोण वर्गा मुंह बना के बैठी है हाले किहड़ा पता लगा है की है, स्कैनिंग तो हो लैन दे की पता शायद मुंडा ही होवे, ठीक है तू पहले ही क्यों रोन वाली शक्ल बनाई हुई है, हो सकता है सानू लोड़ ही ना पवे अबोर्शन की। बुड़बुड़ करती हुई सिजना बुरी तरह परेशान है, क्यों परेशान है क्योंकि ओदे नाल गलत हो रहा है। मासी उसकी परेशानी नू समझदी है, भी अंडरलाइन करो बेटा, सीजना दी परेशानी नू कौन समझदा है, मासी सीजना दी परेशानी नू कौन समझदा है, मासी सफाई कर्मचारी। नेक्स्ट ना ही रोन वर्गा वो बनाई बैठी हाले सॉरी हाले कड़ा पता लगा है, हो सकता है लोड़ ही ना पवे, बुड़ बुड़ कर दी जाती है, सिरजना बुरी तरह परेशान है, मासी उसकी परेशानी नू समझदी है। गलास लेके जाती है, उसके जांदिया ही सिरजना अपना मोबाइल कढ़ के अपने पति नू, ठीक है कुलदीप, क्योंकि उन्हें पता है कि जो होना है उसके हस्बैंड नू भी पता होना चाहिए, ठीक है जो उसकी सास उन्हें क्लीनिक लेके आई है गलत करिए तो उस बारे पूरी जानकारी उसके हस्बैंड नू पता होनी चाहिए, किनू कुलदीप नू, फिर अपने हस्बैंड नू फोन कर दिए। अगो कुलदीप की आवाज आती है, ठीक है फोन ते, ठीक है वो सामने नहीं आता, ठीक है यानी कि हम देखो स्टेज पे सिर्फ ओरी आवाज आनी मोबाइल पे, ठीक है फोटो नहीं आ रही, वो आप नहीं खड़ा, कुलदीप आवाज आवाज आ रही सिर्फ, ठीक है हेलो सृजना, हेलो दीप मैं सृजना, दीप बीजी, ठीक है दीप मैं सृजना, दीप बीजी मेनू क्लीनिक ते ले आए ने स्कैनिंग लई, वो कह रहे ने जे लड़की होई ता हुण देखो उन्हें कुलदीप नाम नहीं लिया, दीप अभी अंडरलाइन अभी करो अंडरलाइन, सिजना अपने पति नु की कह के पुकार दी है दीप, कुलदीप नहीं दीप, सिजना अपने पति नु की कह के पुकार दी है दीप। सिजना हेलो दीप मैं सिजना, दीप बीजी मेनू क्लीनिंग ते लेके आए ने स्कैनिंग लई, ओ कह रहे ने जे लड़की होई ता मतलब पूरी गल नहीं करदी, ठीक है ता एती गल कुलदीप, ओहो तू इन्नी कोई गल नहीं मैनू फोन कर दिता है, कोई गल सी भी ओदे लई है कोई गल छोटी छोटी कोई गल है, तैनू पता है ऑफिस विच किन्नी जरूरी मीटिंग चल रही है, नाले जे बीजी कह रहे हैं कहिंदे ठीक ही होना है, अपनी मां दी हां दे विच हां मिलांदा सी, ठीक है जो कहिंदे भी जो कह रहे हो ठीक ही होना है, तू कर लै जिवें ओह कहिंदे ने, मैं बीजी हाँ इस वेले, अचानक बीजी हाँ मतलब मेरा मेरे को टाइम नहीं है, अचानक ही फोन कर दिंदा है, ठीक है सीजा नूं धक्का लगता है कि उहदा पति जिहड़ी उहदे पति ने जिहड़े की है उहदी गल सुनी ही नहीं, ठीक है भी इन्नी वड्डी जिहड़ी की है जो कुछ हो रहा उहदे नाल हो रहा है पर उसने ये गल सुनी तक नहीं, उहनूं एड्डा वड्डा शौक लगता है कि उहदे हसबैंड ने भी उहदा साथ नहीं दिता, उसनूं दीप तो इस तरह के विवाद की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी क्योंकि वह भी एक पढ़िया लिखिया नौजवान है, जे सिजना पढ़ी लिखी है तो उहदा हसबैंड भी पढ़िया लिखिया है, दूजा धक्का यह जान के लगता है कि उसकी गल बीजी ने सुन ली भाव कि जो फोन से गल कर रही थी उसकी सस सुन लेंदी है, ठीक है तू अपने पति नूं फोन क्यों किया, बीजी
जद मैं कहता सी फिर की लोड़ सी दीपे नूं फोन करन दी। ठीक है, उन्हें उन्हें गुस्से नाल किया कि जो मैं तेनूं किया सी, ठीक है, फोन नहीं करना, फिर तू फोन क्यों किया, तेरी इन्नी जुदत सीजना और मेरे जीवन साथी ने बीजी कि एहो जे मामलियां दी सलाह भी नहीं कर सकते मैं उन्हां नाल। ठीक है, भी इन्ना वड्डा मेरे तुसीं कारण जा रहे हो कम ते मैं सलाह भी ना लवां। बीजी ते मेरी सलाह कोई मायने नहीं रखती, ओह एहो जे मामलियां ते भौंकदी है मैं की गोली रखी है तुहाडी, तेरी पहला सहन कर ली, पहला सहन कर ली दा मतलब पहला तेरी कुड़ी सहन कर ली, इथे वर्ड क्यों ने इथे वर्ड दा की कहण दा मतलब सी तेरी सहन कर ली मतलब तेरी पहला कुड़ी मैं जिहड़ी की अपने घर विच रख ली ते हुण नहीं मैं सहनी बर्दाश्त करनी कि धी होर हो जाए, जे तू होर मरन नूं फिरदी है मेरे मत्थे, वो मतलब इहदा कहण दा कि तू एक होर धी लिआउण नूं फिरदी है, बेटा मैं मारे मैं एक होर जिहड़ी की धी मरन नूं मिथदी है मेरे मत्थे। सीजना मत्थे भी तां ओही मड़िया जाणा है बीजी जो कुदरत चाहेगी जो परमात्मा चाहेगा, भाव की जो साड़ी किस्मत विच ओही मिलके रहिंदा ही रहिंदा। बीजी ए तू मेरे ते छड़ दे इस लई तां डाक्टर को लैके आई है तेनू, पर उधर इसी कहिंदे जो परमात्मा लिखे लड़का लड़की दा होना परमात्मा रे, ठीक है परमात्मा रे दी है, पर ओ ओदी बीजी कहिंदी है कि जेड़ा कि इत्थे मेरी मर्जी चलेगी ताई तां तैनू मैं डॉक्टर ते लैके आई हां। सीजना पर इस गल दी की गरंटी है बीजी कि अगली बार ही मुंडा आऊ, जे तुसी इस बार इदां गलत काम करोगे इहदी की गरंटी दो कि अगली बार फिर मुंडा हो जाएगा, जे अगली बार भी धी हो जाएगी फिर तुसी इदां ही करोगे, जे फिर कुड़ी होई तां की करोगे। बीजी फिर दी फिर देखी जाओ। सीजना कदों तक फिर कदों तक चलते रहेंगे प्रयोग, ठीक है कदों तक तुसी एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, मैं भी एक इंसान हाँ कोई मशीन थोड़ी हाँ जो मेरे तो तुसी एक्सपेरिमेंट करो, मिल जा जदों तक मैनू अपनी जमीन जायदाद का वारिस नहीं मिल जाता, वेख बीबा लोड़ हुंदी है बंदे दी। बीजी केड़ा पेज हाँ जदों मैं कहता कि बीजी जदों तक मैनू अपनी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं मिल जाता तद तक ये काम करांगे, वेख बीबा लोड़ हुंदी है बंदे दी ते मेरी लोड़ यही है वारिस चाहिदा मैनू अपनी प्रॉपर्टी का वारिस। ठीक है लिखो क्वेश्चन लिखो बीजी नूं की चाहिदा हुंदा है अपनी जमीन जायदाद का वारिस। तेनू शौक है धी दा तां होर घर वेख लै भाव कि मेरा घर छड के चला जा मेरी घर छड के चला जा, जे तेनू लगदा है जनानी दा बन के रहूगा तेरा खसम, खसम दा मतलब उहदा पति, ठीक है तां दीपे नूं भी नाल लै जा, भाव कि उहने इह वी कहता तू अपने पति नूं भी नाल लै जा जे तेरी ओह गल सुनेगा। ठीक है मैनू किसे दी लोड़ नहीं, मैनू सिर्फ अपने वारिस दी लोड़ है, सिर्फ ओहदी बीजी की चाहुंदी सी घर दा वारिस आवे जमीन जायदाद नूं सांभण वाला, ना उहनूं अपने पुत्तर नाल प्यार सी ना अपनी नूंह नाल, कहिंदी सी चाहे तूं अपने घर वाले नूं भी लै जा अपने पति नूं भी नाल लै जा जो तेरी गल मन्नेगा। मंदिर गुरुद्वारे दे नां लाउणी मंजूर है मैनूं, दाज भी वंडण नूं तैयार नहीं, भाव कि उहने की किया इस गल दे कहण दा मतलब सी कि जे इक होर धी हो गई मैं उहदे लई दाज नहीं देणा, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद मंदिर ते गुरुद्वारे नूं दान कर दांगी पर तेरी धी नूं नहीं देवांगी, भाव कि अपनी गल ते अड़ी रही क्योंकि धी जम्मन दे बिल्कुल भी हक विच नहीं सी। जे नहीं जी मंदा ता इस काम नूं ता तुर जा जिथों आई है, भाव कि अपने पेके चली जा, मेरे घर रह के नहीं जम सकदी तू एक और पत्थर, उन्होंने धी नूं की कह रही है पत्थर, अंडरलाइन करो भी ओ एक लिखो ओ लड़की नूं की कह रही है पत्थर कह रही है पे जान। बीजी बीजी धी नूं की कह रही है पत्थर, बीजी धी नूं की कह रही है पत्थर कह रही है, ठीक है जिहड़ा बेजान होवे गुस्से नाल झोला चुके चली जांदी है। सृजना दा मन पर आंदा है ते रो पैंदी है, फिर उस तों बाद डाक्टर दी एंट्री हुंदी है, डाक्टर
गुरु बेटा जसकरण डॉक्टर हेलो बैठती हुई सॉरी तुहानू वेट करनी पई स्कैनिंग ले आए हुए हो सृजना अपने आप नू संभालदी हुई जी डॉक्टर साहब सवेरे फोन ते गल हुई सी तुहाडे नाल डॉक्टर हाँ हाँ मैनू याद है पर मैनू एक गल दसो सृजना जी तुसी पढ़े लिखे हो डॉक्टर नू समझांदी है कि तू केड़ा काम कर ली आ रहे पर ओनू नहीं पता होंदा और डॉक्टर यही समझती है कि सृजना अपनी मर्जी नाल आई है ठीक है तुसी पढ़े लिखे हो जे पढ़े लिखे लोग ऐदा करनगे ता ऐदा ही फर्क लग पे कुड़ी मुंडे भी तो साडी सोसाइटी का ही बनेगा भाव कि तू पढ़ी लिखी औरत हो गए जे तुसी मुंडे कुड़ी च फर्क करन लग गए तो पूरी समाज का की होएगा पूरी सोसाइटी का की होएगा सृजना तुसी भी तो पढ़े लिखे हो डॉक्टर साहब पर तुसी कहने का मतलब तुसी स्कैनिंग करो ही ना कि तुसी जे बंद ही कर दो बैन कर दो तो लोग आ ही ना वो तो कहने का मीनिंग से डॉक्टर मेरा प्रोफेसर ये है कि मुंडे कुड़ी का नहीं था कि मुंडे कुड़ी उन्हें भी अगर चुप कर गई पूरी गल नहीं कही सृजना तुसी समझा सकते हो लोगों नू डॉक्टर कौन समझता है हुण मैं तुहानू कहां ये गलत है ना करो ये काम कि तुसी मान लोगे तुसी तो पढ़े लिखे हो ठीक है हुण डॉक्टर नू पहला सृजना ने डॉक्टर नू कहा कि जे तुसी यही काम बंद कर दो तो कोई भी आए ना फिर अगर डॉक्टर की कह रही है कि जे तू पढ़ी लिखी लड़की हो गए जे मैं तेन समझावा कोई तू समझेगी तुसी एक काम करो इनकार कर दोगे भाव की समझना कोई नहीं चाहता वो कहने डॉक्टर कह रहे कि मेरा यह काम ही है ठीक है तो अगो डॉक्टर की समझा रही है कि जे तुसी पढ़े लिखे लोग ही आओ ही ना इतने काम करो ही ना तो जरा कि काम जो खत्म ही हो जाए सृजना उदास हो जाती है मेरी कोई मजबूरी भी हो सकती है डॉक्टर मुस्कुराती अजिहा ही हुंदा है मिसिस सृजना अनपढ़ लोग तो सोचते भी नहीं अजिहा काम करवा लगे पढ़े लिखे लोग तो सोचते हैं पर पता नहीं क्यों अक्सर मजबूर होंगे दुचित्ती पई सृजना हुण परेशान हो जाती है करे की करे एक बार फिर हौसला करके अपने पति नूं फोन करदी जदों डॉक्टर समझाती है ठीक है पहला तो उहदी पति गल सुनदा नहीं दोबारा फोन फिर वह करती पर फिर भी उहदा पति गल नहीं सुनदा आवाज हैलो सृजना हैलो दीप मैं सृजना आवाज हाँ सृजना की होया आया कोई रिजल्ट उहदे इह कहिण दा मतलब सी स्कैनिंग हो गई पता चल गया लड़का या लड़की सृजना नहीं दीप पर दीप बीजी जो कर रहे है मैनूं लगता है सब गलत है आवाज की ठीक है ते की गलत बीजी तेरे नाल जानदा ज्यादा जानते ने सृजना दुनिया देखी है उन्होंने सारी फिर भी उसकी गल अनसुनी कर दिंदा है सृजना सिर्फ बाहर की दुनिया दी पर ये जो वापर रहा है बाहर की दुनिया विच नहीं मेरे अंदर ही दुनिया ही वापर रहा उन्हों की कह रहे उन्हें सृजना कुलदीप ने की कहा कि उसकी जिहड़ी सस है या उसकी मां है बाहर की दुनिया बारे जानती है समाज बारे जानती है तो अगर सृजना की समाज जवाब दिंदी है कि जो हो रहा बाहर नहीं हो रहा पेड़ के अंदर हो रहा अंदर हो रहा ठीक है वह कुछ सृज रही है तो उस नाल गलत हो रहा किसी होर नाल गलत नहीं हो रहा मेरी अंदर ही दुनिया भी वापर है जदों की मेरे कुख अंदर वह क्रूंबल फुटी है तुसी सोच भी नहीं सकते मैनू कितना चंगा लग रहा है मैनू लगता है एक मैं एक सृजना कर रही हाँ मतलब सृजना एक चीज बना रही हाँ जिवें परमात्मा ने सृष्टि बनाई पूरी सृष्टि सृजना की उस तरह कह रही कि मैनू ऐसा लग रहा मैं किसी चीज की सृजना कर रही हाँ मैनू अपने औरत होने का अर्थ महसूस हो रहा है कि मैं भी एक औरत हाँ आवाज लो हो गई शुरू फिर तू वही कविता गल तो सिर्फ इन्नी कु है सृजना कि तेन आदत ही है हर गल मन ते लाउण दी इसे लई तू निक्की जी गल मन ला के बह गई है भाव कि उहदे लई इक छोटी जी गल है उहदे पति लई इक छोटी जी गल है जिहड़ी की है लड़की नूं जन्म लैण तों पहलां ही मार देणा बेटे बेटा अंशिया अर्शदीप प्रीतिमा गरिमा जी एन जानवी आवाज सॉरी सृजना पर किसी कोलों दुनिया विच आन दा हक खो लेना सिर्फ इसे लई कि उह लड़की है ये कोई निक्की जी गल है ठीक है कह रही है कि सिर्फ इसे लई हक खो लेना कि एक लड़की है एक औरत है
ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह समाज के लड़कियों को जीन का हक है, उस तरह समाज के लड़कियों को जीन का पूरा पूरा हक है। आवाज पर साड़ी एक लड़की पहला ही सीजना बीजी की टेंशन बिल्कुल जायज है, इनी जायदाद कौन सामेगा मुड़ के। मैनू पता है सीजना की ठीक नहीं है, पर यह प्रॉपर्टी कल्चर है, भाव की प्रॉपर्टी कल्चर, भाव की दुनिया ही है, जमीन जायदाद ना चल रही है। इस विच इंज ही हुंदा है, सो बीजी जिवें कहंदे हन तू उवें कर लै। मेरी दफ्तर भी बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, आपां बाद विच गल करांगे। गौरव फोन कर दिता है। सीजना पूरी तरह निराश हो गई। मासी आंदी है, उसने सीजना दी गल्लां सुन लिया हन, ठीक है। मासी मतलब सफाई कर्मचारी के, मासी रता बस बेटा, मासी रता उदासी नाल आई गल पसानी बीबी राणीए साडे वेले चंगे सी। उन्हें मासी नूं समझा रही है ना, मुराद मशीना तां नहीं सन, लोग भावे औखे होके रखते भावे सौखे होके पा तां लैंदे सी। उह कहिंदी साडे टाइम ते ठीक सी, जदों मशीना ही नहीं हुंदी सी स्कैनिंग दी, पता तां नहीं लगदा सी। अजकल मशीना आ गई है जिस करके पहले ही पता लग जाता है। कुड़ी नूं जिहड़े पुराने विचारां वाली सोच रखदे हो, कुड़ी नूं जन्म लैण तों पहलां ही मार दिंदे सन, दिंदे हन, सॉरी, भावें तीन हुंदियां सन भावें पंज, हुण तां इक धी तों बाद दूजी पाल लगन लग जांदी। भाव कि इक धी दा जन्म होना तां ठीक है, पर जदों दूसरी धी जन्म लै लवे तां कहिंदे बड़ा भार है, साडे सिर ते भार पै गया। हमदर्दी पर है नानी भी सृजना कोलो आंदी है। तेरा घरवाला ही एहो कहंदा है, ये तेरा घरवाला पति ही नहीं सोचदा, ठीक है, फिर की हो सकता है। सृजना मैं क्यों ना सोचा मासी, मेरे सीने विच दिल धड़कदा है, जिस विच एक नहीं दो आवाजा सुनदियां हन ने मेनू, मेरी ही जुबान आवाजा मारती है, अंदरों अंदरी कोई छूंदा है निके निके हथा मैनू। कहिंदे इस तरह लग रहा है कि मेरे अंदर एक आवाज, एक तो अपनी आवाज हो गई, ते एक किदी आवाज है जिन्हों वो जन्म देने वाली है। इस तरह लग रहा है कि मैनू कोई आवाज दे रहा है, मैनू कोई छू रहा है, ठीक है, तो मैं ओनू ही मार दवा, किन्नी वड्डी गलत गल होएगी। मासी सिर्फ कुछ कुछ ही मिनटा की गल है धीए, ते फिर सब ठीक हो जाएगा। सृजना उच्ची उच्ची रोंदी है, रोन की आवाज सुन के डॉक्टर ते दोवे नर्सा उत्थों दौड़ियां आउंदियां हन। डॉक्टर की होया मासी, की होया? सृजना नहीं होना डॉक्टर साहब, मेथों ये काम नहीं होना। डॉक्टर नहीं होने का मतलब की? जिहा कुछ इत्थे हुंदा ही नहीं। बीजी होएगा किवें नहीं? डॉक्टर साहब जरूर होएगा। डॉक्टर कह रही है इतने जो तुम करवाण आए हो, जिंद हत्या करवाण आए हो कुड़ी की, भाव क्यों मैं काम करती ही नहीं। फिर अगो बीजी गुस्से ना की कहती है, तुम करोगे ही करोगे, तुम किंज नहीं करोगे। बीजी डॉक्टर साहब साड़ी भी लोड़ है कोई। मासी लोड़ तो उस भी है, उसकी भी है। बीजी ठीक है, मासी का कहने का मतलब लोड़ तो उसकी भी है, भाव की धी की भी लोड़ है दुनिया ही चाहन की। बीजी ठीक है फिर तुर जो, प्यो दे घर के बुगाले लोड़ जिन्ने वारी जी करदा है, साडे घर का साडी लोड़ भाव की कहती, तू अपने पेके का जिन्नी मर्जी लोड़ भुगाई, उत्थे जा जो करना है, साडे घर का साडी चलनी है। सृजना तुहाडे घर विच वी तां शामिल हाँ बीजी, भी मैं हुण तुहाडे घर आ गई हाँ, तुहाडी नूंह बन के आ गई, हुण मैं तुहाडा ही घर रहना है। बीजी क्यों तू कत, बीजी तू क्यों कत शामिल है उस घर विच, उस घर विच की लैके आई सी तू, टुटा बजा दाज, ते जे तेनू अपनी तनखाह का गुमान हो दसा, उस दे नाल ता घर का नौकरा ते ड्राइवर का खर्चा नहीं दिता। भाव की इन्होंने लाइना तुम पता चल रहा है कि जिहड़ी की है सृजना भी नौकरी करती है, लिख लो सृजना की करती है, नौकरी करती है, ठीक है। की कह रही है कि जे तेरे थोड़े बहुते पैसे दे ते घर तनखाह आंदी भी, सिर्फ उहदा नौकरा चाकरा का खर्चा भी नहीं चलता, ठीक है, इसलिए तू तू करो निकल जा, तेरी लोड़ नहीं है। इस तरह क्लियर बेटा सबनों कांगी, ठीक है।
मासी समझांदी है कि जो तुसी कह रहे हो गलत है। इतना क्लियर है? बाकी अपन अगले नेक्स्ट पीरियड रीड करांगे।